हेलो दोस्तों, मैं बादल, मैं नेहा, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे हो मेरे प्यारों, उम्मीद है सबके से बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, एक बार फिर से आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए मैं एक माइंड ब्लोइंग से मूवी का ट्रेलर लेके आ गए हैं। मूवी का नाम है मंडप। बहुत सारे कमेंट आए थे मंडप के ट्रेलर का रिएक्शन करो। निरहुआ जी की, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी की मूवी का ट्रेलर है इनके साथ। इस मूवी में अमरपाली दुबे, जो मैंने इनकी लास्ट मूवी का रिएक्शन किया था, ट्रेलर का रिएक्शन किया था, वो थी फसल। उसी पे इसके लिए कमेंट आए थे और डेट वाज माइंड ब्लोइंग। उसमें भी इनके साथ अमरपाली दुबे ही थी। तो ये जोड़ी ब्लॉकबस्टर है। उसमें जो एक्टिंग थी वो सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिंग थी यार। मतलब क्या बोलते हैं, ऑस्कर विनिंग एक्टिंग कर रखी है। मतलब भोजपुरी में ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लहर, मतलब एक्टिंग की लहर ले आए हैं ये, सच्चाई बता रहा हूं। तो गाइस चलिए ट्रेलर देखते जा, देर नहीं करते हैं। और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, SRK Music Private Limited presents। एक पार्टी है जवन 30 लाख रुपया नगद सामान ऊपर से और चार चक्का पक्का। ए जीजा बेहोस मत होई। सही बात कर रही है। तेरे लिए एक रिश्ता आया है। कैसा लगा लड़का? लड़का तो हमरा बहुते पसंद बा। हमारा बिटिया संगे जोड़ी खूब जमी। रारू एक नंबर मिलल बा। भितरे भितरे दिल बड़ा खुश होता, अपना साके हो महसूस होता। लाग जैसे दिल के बतिया हमसे काहे आवता, दिल में केहू राहे आवता हो हमरा दिल में। बेटा भाग्य से मिलेला और बेटी सौभाग्य से। अगर मैं हारा दी हारा दिया डूब पातर में। 31 लाख और चार चक्का से एक पैसा कम ना हो, एक भी कम ना हो। गाड़ी टॉप मॉडल? हाँ हाँ, टॉप मॉडल। कितना लेन देन में बात तय भइल बा, बताओ कहने की। जुमा बन हा सखी दुल्हा के होता। रजनी के शादी में ही अपन सारा पीएफ निकाले के बात करते नहीं आप? चट्टी वाला जमीन आप गिरवी रखते नहीं? राकेश भैया की आदमी तो अच्छा बानी, बाकी वो दिन जब इतना कुछ होत रहे तब रहुआ कुछ कहने का है ना। आज उनका मान में उतार गई ने, पूछली जे हाल सरकार हम तार गई ने, पूछली जे हाल सरकार हम तार गई ने। अरे मंडप में कुछ चाय वो की व्यवस्था हुई? खाना तो खिया देला आइसन के अगाई कर सर। आज हमर बेटी अपना माई बाबूजी के घर से विदा होके अपने ससुराल चल जाए। तू तो हमारे कलेजा का टुकड़ा हो। तिलक देहला छटाक भर अभी आ हुई रात भर। सोचा खा लेला खिचड़ी, कुछ मिलल कल हा आइला घर अपन। सोना इस लड़का हमारे पानी के भाव चल गया। क्या सुन रही है? दिन से बियाह तय भइला, हमरा पापा के चेहरा से चैन छिन गई है। जौना आदमी से इहे मंडप में हमार शादी भइल, जे हमार मान सम्मान के रक्षा करे के कसम खइला सो। आज जब इहे मंडप में इतना कुछ हो रहल रहे, वो एक शब्द ना कहलस। जबले हमरे पापा के खर्च भइल पैसा के पाई पाई तू लोग वापस ना लौटा देबा, ई बारात यहाँ से वापस ना जाए। खाली सब कहला से कुछ ना होई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सब सच में करे के पड़ी और तब जाके कथन के बेटी वरदान होले सही साबित हो पाए। हम अपना बाबूजी के सामने कुछ ना बोल पाए ले। हम विचार से आधुनिक है, संस्कार से ना। तो भाई बंदूक की तान दिया नहीं रहा बाबूजी पे क्या? तो बहुत बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत अलग कॉन्सेप्ट। तो क्या नेहा, देखो शादी होगी, वो दहेज दहेज मांगा उन्होंने और फिर तान्नेबाजी कर रहे हैं वहाँ शादियाँ बैठ के, कम दे रहे हो या ये वो जो भी। तो वहाँ निरहुआ बैठा है, नीरा जी चुपचाप बैठे हैं, वैसे मॉडर्न है। लेकिन एक बात नहीं समझ में आई, वो सारी बातें हो चुकी हैं। हाँ,
वो बीच बीच में वो समझ नहीं आ रहा। हाँ, वो मिल चुके हैं, एक साथ रह रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर दोबारा वो मंडप वाली बात, किसी और की शादी की बात चल रही है वो दोबारा। हाँ, सस्पेंस। हाँ, वो दोबारा जो बात चल रही है वो दोबारा निरुआ जी की और अमरपाली जी की बात चल रही है, किसी और की शादी की बात चल रही है, वहाँ ये भड़की है। हाँ, क्योंकि इनके साथ शायद इनकी बहन की शादी की बात चल रही है ऐसा कुछ, और वहाँ ये भड़की है, वहाँ इन्होंने बंदूक तान ली कि भैया अब तो ये बारात तभी लौटेगी जब सब कुछ वापस आएगा। और ये डेट माइंड ब्लोइंग, और भाई मतलब बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग होने वाली है ये सिचुएशन। पूरी पूरी बारात को ये हाईजेक कर लिया है अमरपाली दुबे एंड उनकी गैंग ने, द गुलाब गैंग ने, और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो मंडप गैंग है वैसे ये। हाँ, मंडप गैंग मंडप से बारात उठा लेती है। बिल्कुल, दहेज लेना ही नहीं चाहिए, दहेज प्रथा बंद कर देनी चाहिए, वाकई में ही दिल से बंद कर देनी चाहिए यार। क्या मतलब, आप लोगों को लड़की चाहिए ना, लड़की ले हो यार। उसके बाद भी, दहेज लेने के बाद भी लोग डिमांड करते हैं तो गलत बात है। बहुत गलत बात है। बाकी मंडप गैंग अब क्या दिखाती है, क्या करके दिखाती है, क्या गुल गिलाती है, ये आगे पता चलेगा मूवी देखने के बाद। आप लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताओ। हमने जो बोला है क्या वो सही है गलत है प्लीज़ कमेंट करके बताओ। बोला हमने जो बोला और आपने जो सोचा है क्या वो सही है, क्योंकि सबकी सोच एक नहीं होगी। और ट्रेलर में क्या होता, कोई तीसरी चीज़ निकल के आ जाए। एग्जैक्ट स्टोरी तो किसी को नहीं पता होती, पहले ही पता चल जाएगी तो मूवी आप लोग देखोगे नहीं। हाँ, सस्पेंस बहुत है इसके अंदर। बिल्कुल। तो गाइज प्लीज़ कमेंट करके बताओ क्या है सच्चाई क्या नहीं अकॉर्डिंग टू यू, और चैनल को करो सब्सक्राइब। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय।